हेलो गाइस, दिस इज़ नवनीत महान, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एंटमोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं काजू के प्रमुख कीट और उनके मैनेजमेंट के बारे में। गाइस, काजू जो है केशो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फल वाली फसल है, जिसका पूरी पूरे भारत देश में जिसकी बहुत ही बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल, ये फैमिली एनाकार्डेशी के मेंबर होते हैं, जिसका विदेशों में बहुत ज़्यादा मांग है। इंडिया से इसको विदेशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जिससे काफ़ी आमदनी की प्राप्ति होती है, विदेशी आय की प्राप्ति होती है। इट वॉज ओरिजिनली इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडिया फ्रॉम ब्राज़ील बाय पोर्तुगीज़। ये पुर्तगालों द्वारा ब्राज़ील में 16th सेंचुरी में लाया गया था, ब्राज़ील से इंडिया में। मेनली ये जो क्रॉप होते हैं, ये काजू के जो जड़े होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा फैलते हैं। इस वजह से जो पुर्तगाल लोग थे, वो कोस्टल एरियाज़ में जो समुद्र किनारे वाला जो क्षेत्र है, वहाँ इसकी खेती किया करते थे, ताकि मिट्टी की कटाई को, सोयल इरोजन को रोका जा सके। इसका कॉमर्शियल कल्टीवेशन फ्रूट के लिए ना नहीं किया जाता था स्टार्टिंग में, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सोयल इरोजन को रोकने के लिए ही इस प्लांट का कल्टीवेशन किया जाता था। इसको कोस्टल एरियाज में लगाए जाते थे। केसियो इज़ नॉट वाइडली ग्रोन इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड इट हैज़ वेरी वेल अडाप्टेड टू द इंडियन कंडीशन। ये इंडियन कंडीशन है, बहुत अच्छे से उग सकता है, इसे काफ़ी अच्छी उपज प्राप्त होती है। पूरे वर्ल्ड में इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, प्रोसेसर और कंज्यूमर काजू का है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि काजू का सबसे ज़्यादा उत्पादन इंडिया में ही की जाती है। पूरे देश, पूरे वर्ल्ड में इंडिया से ही काजू को एक्सपोर्ट किया जाता है। पेस्ट इन्फेस्टेशन इज़ अ मेजर कंस्ट्रेंट इन केशियो प्रोडक्शन। सिर्फ केशियो ही नहीं, हर प्रकार के फसल में पेस्ट कॉन्स्टेंट बहुत ज़्यादा मेजर कॉन्स्टेंट होता है, पेस्ट इन्फेस्टेशन, क्योंकि हर फसल को कीड़ों और बीमारियों से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जो काजू होता है, कई प्रकार के कीट व्याधियों से संक्रमित हो सकता है, जो कि फील्ड कंडीशन में पौधों को और फलों को, फूलों को, स्टोरेज कंडीशन में भी नट्स और एप्पल दोनों को ही जो पेस्ट हैं, डिसीज़ हैं, वो डैमेज कर सकते हैं। मोर देन 50 स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट आर नोन टू बी इन्फेस्टिंग केशियो इन इंडिया इन डिफरेंट डिग्रीज ऑफ इंटेंसिटी। हाउएवर, व्हेन द एक्सटेंट ऑफ डैमेज इज टेकन इन टू अकाउंट, ओनली 4 आर कंसिडर्ड टू बी मेजर पेस्ट। बहुत सारे पेस्ट हैं, जिसमें से मेजर पेस्ट के रूप में हम 4 ही पेस्ट को हम मान सकते हैं, जो कि स्टेम एंड रूट बोरर, टी मॉस्किटो बग, लीफ माइनर और एप्पल एंड नट बोरर हैं। ये जो 4 इंसेक्ट हैं, स्टेम एंड रूट बोरर, टी मॉस्किटो बग, लीफ माइनर और एप्पल एंड नट बोरर, ये 4 इंसेक्ट ही काजू में मेजर पेस्ट के रूप में माना जाता है। बाकी जो अन्य हैं, वो माइनर पेस्ट, स्पोरैडिक पेस्ट और पोटेंशियल पेस्ट के रूप में रहते हैं। द अदर माइनर पेस्ट इंक्लूड्स थ्रिप्स, लीफ एंड ब्लॉसम वेबर एंड मिली बग। ये जो इंसेक्ट हैं, मेन माइनर पेस्ट हैं, जो कि काजू के फसल को नुकसान पहुँचा सकते हैं। गाइस, जो मेन इंसेक्ट पेस्ट हैं, वो है, फर्स्ट है टी मॉस्किटो बग, हेलोपेल्टिस एंटोनी, फैमिली मिरिडी, ऑर्डर हेमिप्टेरा। सेकंड है केशियो, स्टेम एंड रूट बोरर, प्लेसियोडेरस फेरेजुनियस, फैमिली सिरेम्बिसिडी, ऑर्डर कोलियोप्टेरा। एप्पल एंड नट बोरर, थाइलोकैप्टिला पैनरोसीमा, ये है ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, फैमिली पैरिडी के मेंबर। नेक्स्ट इंसेक्ट इज थ्रिप्स, जो कि थाइसनोप्टेरा, फैमिली थ्रिपिडी के मेंबर होते हैं। मीली बग भी ऑर्डर हेमिप्टेरा के मेंबर्स होते हैं। लीफ माइनर जो है, केशियो के जो लीफ माइनर हैं, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, फैमिली ग्रेसिलेरिडी के मेंबर होते हैं। और जो वेबर हैं, लीफ एंड ब्लॉसम वेबर, ये भी ऑर्डर लेपिडोप्टेरा के मेंबर होते हैं। हम फर्स्टली बात करते हैं केशियो के सबसे मेन पेस्ट
टी मॉस्किटो बग की। गाइस टी मॉस्किटो बग एक पॉलीफेगस पेस्ट है जो कि टी के अलावा और भी बहुत सारे क्रॉप को नुकसान पहुंचा सकता है। हेलोपेल्टिस एंटोनी साइंटिफिक नेम है, जो कि ऑर्डर हेमिप्टेरा फैमिली मेरिडी के मेंबर होते हैं। ये केसियो का सबसे बड़ा दुश्मन है इंडिया में, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के अलावा और भी कंट्रीज़ में जहाँ भी केसियो की खेती होती है वहाँ टी मॉस्किटो बग जो है केसियो का सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाला कीट है, सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाला कीट है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द पेस्ट अलोन कॉज 20 to 60% यील्ड लॉस। अकेले टी मॉस्किटो बग से 20 से 60% तक काजू की खेती में नुकसान हो सकता है। और काजू के नुकसान के साथ साथ में 30% से भी अधिक जो इकोनॉमिक लॉस है सिर्फ और सिर्फ इसी कीड़े के कारण होता है। अदर टू स्पीसीज ऑफ हेलोपेल्टिस इज हेलोपेल्टिस थायावोरा एंड हेलोपेल्टिस ब्रैडेई। ये जो दो अलग स्पीसीज हैं ये भी केसियो के ट्री को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। जो टी मॉस्किटो बग है ये सकिंग पेस्ट होते हैं जो कि प्लांट के टेंडर पार्ट सेल सेप को शक करके नुकसान पहुंचाते हैं। इनका डायग्राम देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये जो इंसेक्ट होते हैं इनका बहुत ही मेजर पेस्ट है, प्लस ये जो इंसेक्ट होते हैं सकिंग पेस्ट होते हैं जो प्लांट के टेंडर पार्ट से सेल सेप को शक करते हैं। तो उनके सिम्टम्स किस प्रकार से दिखाई देते हैं इसके बारे में बात करें। बोथ नेम्फ एंड एडल्ट ऑफ दिस मिरिड बग सक सैप फ्रॉम द टेंडर फ्लेसेस यंग शूट्स इनफ्लोरेसेंस पेनिकल्स ग्रोइंग यंग नट्स एंड एप्पल्स। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं प्लांट के टेंडर पार्ट से यंग शूट से फ्लावर बर्ड से पेनिकल से नट्स और एप्पल जो ग्रोइंग बर्ड है, नट्स और एप्पल जब सॉफ्ट होते हैं तो उस कंडीशन में उनसे सेल सैप को उनके सैप को जूस को शक करके नुकसान पहुंचाते हैं। उसके अलावा प्लांट में ये टॉक्सिक सलाइवा भी इंजेक्ट कर देते हैं जिसके कारण जो वास्कुलर टिश्यूज होते हैं वो मर जाते हैं और डाइबैक सिम्टम्स देखने को मिलता है। ऑक्यूरेंस ऑफ डार्क ब्राउन पेचेस ऑन ग्रीन टेंडर स्टेम ऑफ यंग शूट्स एंड इनफ्लोरेसेंस। इन इंसेक्ट्स के इफेक्ट के कारण जो स्टेम जो टेंडर स्टेम होते हैं यंग शूट्स के टेंडर जो टेंडर स्टेम्स होते हैं और इनफ्लोरेसेंस होते हैं फ्लावर बर्ड्स होते हैं उन पे डार्क ब्राउन पैचेस देखने को मिल सकता है। इनके द्वारा फीड किया हुआ जो लीव्स होते हैं वो बुरी तरह से मॉटल्ड और कर्ल्ड होते हैं क्योंकि ये जो इंसेक्ट्स होते हैं रस को चूस लेते हैं, इस वजह से जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं वो कर्ल हो जाते हैं। अफेक्टेड शूट शो लॉन्ग ब्लैक लिशन। द इमेच्योर नट इन्फेस्टेड बाय दिस पेस्ट डेवलप कैरेक्टरिस्टिक इरेप्टिव स्पोर्ट्स एंड फाइनली श्राइवल एंड फॉल ऑफ। जो इन्फेस्टेड नट होते हैं इमेच्योर नट्स वो इमेच्योर कंडीशन में ही पेड़ से गिर जाते हैं। एप्पल के साथ ही ये जो नट्स होते हैं वो गिर जाते हैं, एप्पल और नट्स दोनों गिर जाते हैं। हैवीली इन्फेस्टेड ट्री शो स्कॉर्ज अपेयरेंस लीडिंग टू द डेथ ऑफ शूट एंड ग्रोइंग टिप्स। बहुत ज़्यादा इन्फेस्टेशन होने पे प्लांट्स के जो ग्रोइंग टिप्स होते हैं पूरी तरह से सूख जाते हैं और मर जाते हैं। सेवेरली अफेक्टेड ब्रांचेस में लीड टू द सेकेंडरी इन्फेक्शन बाई फंगस। क्योंकि जो ये जो इंसेक्ट्स होते हैं हेलोपेल्टिस एंटोनी ये सकिंग पेस्ट होते हैं जो अपने माउथ पार्ट्स को प्लांट्स के टेंडर पार्ट्स पे पियर्स करके उन पे इंजेक्ट करके रस को चूसते हैं जो कि फंगल इन्फेक्शन के लिए एक रास्ता एक मार्ग बन जाता है, जिस वजह से फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। और साथ में ये कुछ टॉक्सिक मटेरियल भी टॉक्सिक सलाइवा प्लांट में छोड़ते हैं जिस वजह से जो डायबैक सिम्टम्स देखने को मिलता है। इच निम्फ और एडल्ट ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम डैमेज एटलीस्ट 3 टेंडर शूट्स और
पेनिकल्स, एक जो इंसेक्ट होता है अपने निम्फ और से एडल्ट स्टेज तक कम से कम 3 टेंडरसूट्स को जरूर डैमेज करता है। गाइस देख सकते हैं किस तरह से टी मॉस्किटो बग काजू की खेती को नुकसान पहुंचाता है, उसका सिम्टम्स जो है स्क्रीन पे देख सकते हैं। दिस इज द एडल्ट टी मॉस्किटो बग। अब बात करते हैं इसके बायोलॉजी, अपेयरेंस, लाइफ साइकिल, शेप, साइज के बारे में। तो एडल्ट बग इज रेडिश ब्राउन, अबाउट 6 to 8 mm लॉन्ग, विथ ब्लैक हेड, रेड थोरेक्स, ब्लैक टू येलोइस एब्डोमेन। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं लगभग 6 से 8 mm लंबे होते हैं। इनका सिर काले रंग का और जो थोरेक्स है वो रेड कलर का होता है। फीमेल बग लेज एग ऑन द टेंडर टिश्यू ऑफ न्यू शूट्स एंड शॉर्ट टिश्यूज ऑफ इनफ्लोरेसेंस ब्रांच। जो फीमेल बग होते हैं ये सिंगल सिंगल अंडे देते हैं, वो भी सॉफ्ट टिश्यू पे या फिर जो टेंडर पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के उस पे। एग्स आर क्रीमी वाइट इन कलर। दिस द लाइफ साइकिल ऑफ टी मॉस्किटो बग हेलोपेल्टिस एंटोनी। इनका जो लाइफ साइकिल है लगभग 20 से 90 दिन में कंप्लीट होता है। मिनिमम 20 डेज लगते हैं, मैक्सिमम 90 डेज तक इनका लाइफ साइकिल चल सकता है। एडल्ट फीमेल जो है सिंगली जो अंडे देते हैं वो लगभग 2 दिन में हैच हो जाते हैं। हैचिंग के बाद ये 5 से 27 दिन में सॉरी एक का हैचिंग लगभग 5 से 27 दिन में होता है, और निम्फ जो है लगभग 12 से 60 दिन में ये एडल्ट बन जाते हैं। एडल्ट स्टेज जो है वो सिर्फ 2 ही दिन का होता है। 2 दिन तक ये सिर्फ और सिर्फ मेटिंग और मेटिंग का ही काम करते हैं 2 दिनों तक। गाइस सिंगल फीमेल बग लेज ऑन एन एवरेज 50 एग एंड एग आर एग टू निम्फल पीरियड इज ऑन एवरेज 5 to 27 days। ये जो इंसेक्ट होते हैं सिंगल सिंगल अंडे देते हैं, आप पूरे जीवन काल में लगभग 50 अंडे तक दे सकते हैं। जो एडल्ट होते हैं अक्सर सुबह के समय एक्टिव होते हैं, क्योंकि अधिक धूप होने से ये जो इंसेक्ट्स होते हैं फोटो सेंसिटिव प्लस थर्मो सेंसिटिव भी होते हैं। इस वजह से पत्तियों के या पौधों के नीचे छिप जाते हैं। एंड मैक्स अबाउट 150 फीडिंग पंक्चर्स पर डे। ये सुबह के समय 6 से 10 के बीच में ज़्यादा एक्टिव होते हैं और एक दिन में लगभग 150 पंक्चर्स करते हैं। द एग्स नॉर्मली हैच आउट एज निम्फ, यंग निम्फ फीड ऑन द टेंडर लीफ विथ लेटर बिकम नेक्रोटिक। जो निम्फ होते हैं न्यूली हैच निम्फ वो बहुत ही छोटे और विंगलेस होते हैं, और एडल्ट बनते होते होते इनमें विंग डेवलप हो जाते हैं। द यंग निम्फ आर ऑरेंज कलर्ड एंड एंट लाइक विथ लॉन्ग लेग्स। जो यंग निम्फ होते हैं वो चींटी की तरह दिखाई देते हैं जिसके लंबे पैर होते हैं। इनके जो लाइफ साइकिल है लगभग 20 से 90 दिन में कंप्लीट होता है। ये काजू के अलावा गुआवा, कोकोवा, सिंकोना, नीम, कॉटन, एप्पल, ग्रेप्स, ड्रमस्टिक, पेपर, ब्लैक पेपर, जामुन एट्सेट्रा प्लांट पे ये अटैक करते हैं। ये जो इंसेक्ट होते हैं हाईली पॉलीफेगस होते हैं, कई प्रकार के वेजिटेशन पे अटैक कर सकते हैं। सीजनल इंसिडेंस, ये जो इंसेक्ट होते हैं प्लांट के जब जब प्लांट ज़्यादा ग्रोथ होता है, जब प्लांट का जो ग्रोथ फेस होता है दैट मीन्स जब प्लांट नए स्टेम या सूट निकाल रहा होता है, जब प्लांट्स में नए सूट्स स्टेम्स निकल रहे होते हैं, सूट्स निकल रहे होते हैं, टेंडर लीव्स निकल रहे होते हैं, उस कंडीशन में इनका इफेक्ट ज़्यादा होता है। मेनली ये जो इंसेक्ट होते हैं दिसंबर के बाद ही दिखाई देते हैं। दिसंबर के बाद चूँकि जो प्लांट्स होते हैं पतझड़ के बाद में नए फ्लावर्स, नए लीव्स और जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो होता है, तो उस कंडीशन में इन इंसेक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन होता है उनके फीडिंग के लिए। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं दिसंबर के बाद आना स्टार्ट होते हैं और
फरवरी टू मार्च में ये इनका पॉपुलेशन पीक पे होता है। दैट मीन्स फरवरी मार्च में ये बहुत ज़्यादा प्रजनन करते हैं और बहुत ज़्यादा डैमेज भी करते हैं। दिस पीरियड्स द ट्रीज आर इन द ब्लॉसम स्टेज, क्योंकि जो फरवरी मार्च का समय होता है, इस समय जो पौधे होते हैं उनमें फ्लावरिंग हो रहा होता है, ब्लॉसम स्टेज में होते हैं। यंग ट्रीज आर गेटिंग अफेक्टेड मोर बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ सक्यूलेंट ग्रोथ थ्रू द ईयर। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो यंग प्लांट होते हैं, यंग ट्री होते हैं, उस पर ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, क्योंकि उसमें टेंडर पार्ट ज़्यादा मिलते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होता है और ससेप्टेबल होता है। दिस इज़ द एडल्ट एंड निम डैमेजिंग ऑन प्लांट पार्ट्स। डैमेजिंग सिम्टम्स देख सकते हैं, जो डाइबैक सिम्टम्स, क्योंकि ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, ये यहाँ पे जस्ट इस स्पेस पे इस जगह पे जब फीड करते हैं, तो उस कंडीशन में ऊपर वाला हिस्सा डायबैक सिम्टम्स दिखाई देने लगता है। तो गाइस ये देख सकते हैं डायबैक सिम्टम्स अफेक्टेड प्लांट में। दिस ऑल्सो टेंडर सूट्स एंड पेनिकल्स डैमेज बाई टी मॉस्किटो बग। इनका मैनेजमेंट गाइस, मैनेजमेंट के लिए हमें IPDM प्रैक्टिस अपनानी चाहिए। रिमूव द वॉलंटियर सेल्फ सोन नेम प्लांट इन द अराउंड केशियो प्लांटेशन, क्योंकि जो नीम के प्लांट होते हैं अल्टरनेट होस्ट के रूप में काम करते हैं, इसलिए नीम प्लांट को वहाँ से रिमूव कर देना चाहिए। प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ पेस्ट सिचुएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मॉनिटरिंग सर्विस सर्वेलेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल ऑफ IPM। थ्री स्प्रे शेड्यूल्स शुड बी फॉलोड। फर्स्ट स्प्रे मोनोक्रोटोफास 1.5 ml ऑफ वाटर 0.05%, और लेमडा साई हेलोथ्रिन। लेमडा साई हेलोथ्रिन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल केमिकल इंसेक्टिसाइड विच इज़ यूज टू कंट्रोल एनी टाइप ऑफ सकिंग पेस्ट। लेमडा साई हेलोथ्रिन, जो कि डिमांड या मेटाडोर या डेंजर के नाम से अवेलेबल होता है, इसका 0.003% का घोल बना के नवंबर दिसंबर में ही छिड़काव करनी चाहिए, क्योंकि ये जो इंसेक्टिसाइड है, ये सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड होता है और इनिशियल स्टेज में ही इंसेक्ट्स को रोका जा सकता है। सेकंड स्प्रे कार्बोरिल। कार्बोरिल 50% WP 82 g/L ऑफ वाटर 0.1% और क्लोरोपाइरीफास 0.05% एट फ्लावरिंग स्टेज दिसंबर जनवरी। नवंबर दिसंबर में मोनोक्रोटोफास से लेमडा साइहेलोथ्रिन के स्प्रे करना चाहिए, और दिसंबर जनवरी में कार्बरिल या फिर क्लोरोपाइरीफास का स्प्रे करना चाहिए। थर्ड स्प्रे हम कर सकते हैं फ्रूटिंग के समय में फरवरी मार्च में सेम कार्बोरिल या फिर क्लोरोपाइरीफास का। इसके अलावा कुछ और भी इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। द सेम इंसेक्टिसाइड शुड नॉट बी रिपीटेड इन द सेकेंड राउंड। सेम इंसेक्टिसाइड को हमें कभी भी रिपीट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो इंसेक्ट होते हैं बहुत जल्दी रेजिस्टेंस इनमें पैदा हो जाते हैं, बहुत जल्दी रेजिस्टेंट हो जाते हैं। अवॉइड इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ सिंथेटिक पैराथ्रॉइड, एग्जाम्पल सैपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन, फेनोलेरेट एटसेट्रा। ये जो हैं सिंथेटिक पैराथ्रॉइड्स, इनको जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, ये सकिंग पेस्ट को बहुत ज़्यादा, मतलब सकिंग पेस्ट बहुत जल्दी से रेजिस्टेंट हो जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं। द स्प्रेइंग शुड बी डन बिफोर 9 AM और आफ्टर 4 PM इन ऑर्डर टू सेव नॉन टारगेटेड पोलिनेटर्स। नॉन टारगेटेड इंसेक्ट्स या पोलिनेटर्स जो हैं
वो सुबह के 9 से शाम 4 के बीच में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इसलिए इस बीच में कभी भी हमें स्प्रे नहीं करनी चाहिए। हमें स्प्रेइंग करनी चाहिए मॉर्निंग 9 बजे से पहले या फिर शाम 4 बजे के बाद में। द एग्स ऑफ मॉस्किटो बग्स आर नेचुरली पैरासिटाइज बाई टेरिनॉम्स और एरिथमेलस, स्पाइडर्स सच एज ऑक्टोपस और हाइलस। ये जो स्पाइडर्स के स्पीसीज हैं ये भी इंसेक्ट्स के प्रीडेटर होते हैं, टी मॉस्किटो बग के उनको पकड़ के खाते हैं। रेड एंट जो है जिसको हम माटा के नाम से जानते हैं, वो भी इस इंसेक्ट का प्रे करते हैं, इस इंसेक्ट के प्रीडेटर होते हैं। रेड एंट शुड बी इंकरेज इन केशिया पोलिनेशन एंड इट विल रिपेल द टी मॉस्किटो बग। ये जो है केशिया को पोलिनेशन में भी हेल्प करते हैं और टी मॉस्किटो बग को दूर भी रखते हैं। ड्यूरिंग द आउटब्रेक सिचुएशन द मैनेजमेंट प्रोग्राम शुड बी लॉन्च्ड ऑन लार्ज स्केल जस्ट लाइक कम्युनिटी बेसिस। नेक्स्ट इंसेक्ट इज केशियो स्टेम एंड रूट बोरर। केशियो स्टेम एंड रूट बोरर, ये जो इंसेक्ट है प्लेसियोडेरस फेरेंजिनियस, ये जो इंसेक्ट है और कोलियोप्टेरा फैमिली सेरेम्बिसिडी के मेंबर होते हैं। ये बहुत ही सीरियस पेस्ट है केसियो का। ये इंसेक्ट भी पॉलीफेगस नेचर के होते हैं जो बहुत सारे फॉरेस्ट ट्रीज को नुकसान पहुंचाते हैं, जस्ट लाइक मैंगो टीक सोरिया, बहुत सारे जो ट्रीज हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीरियस पेस्ट ऑफ केसियो एंड इट्स डैमेज रिजल्ट इन डेथ ऑफ ट्रीज, क्योंकि ये जो इंसेक्ट होते हैं इनके डैमेज करने से पूरा का पूरा पेड़ ही नष्ट हो जाता है, मर जाता है। इट इज़ एन इंटरनल टिश्यू बोरर एंड इन्फेस्टेशन वाज अप टू 40% इन डिफरेंट पीरियड्स। ये इंसेक्ट्स होते हैं ये इंटरनल बोरर होते हैं, इंटरनल टिश्यू के फीडर होते हैं, प्लांट्स को बोर करके उसके अंदर मतलब पौधों के तनों को छेद करके तने के अंदर घुस जाते हैं और उसी को फीड करते हैं। इसके और भी कुछ स्पीसीज हैं जस्ट लाइक प्लेसियोडेरस ओबेसस या बैक्टोसीरा रूफोमुकुलाटा। बैक्टोसीरा रूफोमुकुलाटा मैंगो स्टेम बोरर के नाम से जाना जाता है और प्लेसिडेरस ओबेसस टिक स्टेम बोरर के नाम से जाना जाता है। गाइस ये जो अलग अलग स्पीसीज हैं ये सारे के सारे स्पीसीज हाईली पॉलीफेगस होते हैं जो हर प्रकार के ट्रीज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हार्ड वुड बोरर होते हैं जो कि हर प्रकार के ट्री को नुकसान पहुंचा सकते हैं। द प्लेसिडेरस स्पीसीज आर इनकाउंटर्ड एज प्राइमरी पेस्ट। ये जो इंसेक्ट होते हैं प्राइमरी पेस्ट होते हैं, इनको हम मेजर पेस्ट के रूप में जानते हैं। इनके द्वारा इन्फेस्टेड जो प्लांट होते हैं वो आसानी से इनिशियल पीरियड में दिखाई नहीं देता। ये उस कंडीशन में पता चलता है इस इंसेक्ट का इफेक्ट जब ये प्लांट पूरी तरह से मर जाते हैं। स्टेम बोरर इन्फेक्शन कुड बी इजली आइडेंटिफाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल बोर होल्स ऑन द कॉलर रीजन। प्लांट के कॉलर रीजन में छोटे छोटे बोर होल्स से हम इसके प्रेजेंस को हम पहचान सकते हैं। एक्सट्रूजन ऑफ फ्रॉस्ट लाइक कोर्स डस्ट पाउडर थ्रू द होल्स ऑन द एट द कॉलर रीजन। ये जो इंसेक्ट होते हैं सुरंग बनाने के लिए तने को काटते हैं जिससे कोर्स डस्ट लाइक पाउडर जो है वो उस छेद से बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। ओजिंग ऑफ गम एट द बेस ऑफ केसियो ट्री ट्रंक द ग्रब दैट हैच आउट बोर इन टू द बार्क एंड फीड ऑन द सब एपिडर्मल एंड वास्कुलर टिश्यू। गाइस देख सकते हैं ये सिम्टम्स है स्टेम बोरर का जो कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इनके द्वारा एक्सटेंसिव टनलिंग इन द स्टेम एंड रूट रीजन एंड द टिश्यू आर टनल्ड इन इरेगुलर फैशन। जो टिश्यू होते हैं इरेगुलर फैशन में इरेगुलर शेप में टनल्ड दिखाई देते हैं एज रिजल्ट ऑफ डैमेज द सप्लाई ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स
इज अरेस्टेड बाय विच द लीव्स टर्न्स येलो। क्योंकि ये जो इंसेक्ट होते हैं स्टेम को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, इस वजह से जो प्लांट्स में वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो है ऊपर पत्तियों तक नहीं पहुंच पाते, जिस कारण जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ के सूख जाती हैं और पत्तियों से अलग होके गिरने लगते हैं। अफेक्टेड ट्रीज ऑल्सो टिल्ट ऑन वन साइड ड्यू टू लॉस ऑफ एनकरेज ऑफ इफ द इंजरी इज सीवियर और एंकरिंग रूट्स। ये जो इंसेक्ट होते हैं इनके बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने पे जो रूट होते हैं वो सड़ने लगते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इनके बायोलॉजी और लाइफ साइकिल की बात करें तो ये जो इंसेक्ट्स होते हैं एक साल में इनका सिर्फ एक ही जनरेशन कंप्लीट हो पाता है। इनका जो एडल्ट होता है वो मीडियम साइज लगभग 25 से 40 mm लंबे, लगभग 2.5 से 4 सेंटीमीटर लंबे हो सकते हैं, जिनका जो कलर होता है रेडिश ब्राउन कलर की होती है। इनकी जो एंटीनी होती है काफ़ी लंबी होती है, जो कि घुंडाकार होता है। इनका एंटीनी इनके शरीर से भी लंबे होते हैं। फीमेल बीटल लेज 60 to 90 eggs। जो फीमेल बीटल्स होते हैं 60 से 90 eggs तक दे सकते हैं अपने पूरे जीवन काल में। दे प्रेफर टू ले एग्स ऑन ओल्ड ट्री, 4 से 5 साल पुराना ओल्ड प्लांट में अंडे देना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्हें आसानी से फूड मटेरियल अवेलेबल होता है। द एग्स आर लाइड इन टू द लाइव टिश्यू इन द क्रेविसिस ऑफ द लूज बार्क इन द ट्रंक। जो लूज बार्क और जो ट्रंक होते हैं वहाँ पे ये इंसेक्ट अपने अंडे सिंगल सिंगल छोड़ते हैं। दिस इज द एग लार्वी एंड प्यूपा ऑफ रूट एंड स्टेम बोरा। दिस इज द एडल्ट ऑफ केसियो स्टेम बोरर। परसेंटेज ड्यूरेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्टेज इन प्लेसियोडेरस फोरेंजेनियस। ये जो है इनका जो लाइफ साइकिल होता है उसका कितने परसेंट हिस्से क्या क्या रहते हैं, लगभग अपने जीवन काल के 2% हिस्से में एक के रूप में होते हैं, लगभग 47% समय ग्रब के रूप में फीड करते हैं और लगभग 41% समय ये प्यूपा के रूप में विद्यमान रहते हैं। सिर्फ 10% समय में ही ये एडल्ट के रूप में जीवित रह पाते हैं, जिस बीच में ये मेटिंग करते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं। द एग्स आर वाइटिश ओवाइड इन शेप मेजरिंग अबाउट 3 mm इन लेंथ। द एग पीरियड इज वेराइज फ्रॉम 4 to 7 days। द एग हैच आउट एज टाइनी ग्रब विच बोर इन टू द फ्लेश टिश्यू ऑफ द बार्क। द ग्रब्स फीड इन साइड द टिश्यू फॉर 4 to 7 months। मैनेजमेंट मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले जहाँ तक हो सके हमें सभी किसी पेस्ट के मैनेजमेंट के लिए हमें IPM टेक्निक्स का उपयोग करना चाहिए, IPM टेक्निक्स अपनाने चाहिए। इनके लिए हमें फील्ड सैनिटेशन और क्लीन कल्टीवेशन अपनाना चाहिए। क्लीन कल्टीवेशन या फिर फील्ड सैनिटेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेजर्स टू कंट्रोल दिस पेस्ट। डिस्ट्रक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ डेड एंड इन्फेस्टेड ट्रीज फ्रॉम द गार्डन। मैनुअल कलेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ पेस्ट इन ऑल लाइफ स्टेजेस। किसी भी लाइफ स्टेज में मैनुअल कलेक्शन किया जा सकता है। चूँकि ये छेद के अंदर छेद बना के ये स्टेम के अंदर होते हैं, इनके कंट्रोल के लिए इनको मारने के लिए हम हुकिंग भी कर सकते हैं। रिमूव ग्रब फ्रॉम अर्ली स्टेज इन्फेस्टेड ट्री एंड ड्रेंच द डैमेज पोर्शन विथ क्लोरपाइरीफास। जो क्लोरपाइरीफास हो इनके जो द्वारा जो डैमेज ड्रेंच पोर्शन होता है उसको क्लोरपाइरीफास या फिर
नीम ऑयल से ट्रीट करना चाहिए। इनकी बार को कार्बोरिल 50 WP, कार्बोरिल 50 WP 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से घोल बना के हमें पौधों की पुताई करनी चाहिए, उसको स्वैबिंग करनी चाहिए। ट्वाइस अ ईयर बिफोर द ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून एंड आफ्टर सीसेशन ऑफ मानसून, पेंटिंग ऑफ कोल टार प्लस केरोसिन मिक्सचर 1:2। कोल टार और केरोसिन के मिक्सचर से हमें पौधों के तने की पोताई करनी चाहिए, इससे पौधों को एक लेइंग साइट नहीं मिल पाती। और स्वैबिंग एंड सस्पेंशन ऑफ कार्बोरिल अप टू 1 मीटर लेंथ इन द एक्सपोज ट्रंक रीजन आफ्टर द बाग। नेक्स्ट है रूट फीडिंग विथ मोनोक्रोटोफास 36 SL। 36 SL मोनोक्रोटोफास का घोल बना के 10 ml प्रति 10 लीटर वाटर की दर से हमें घोल बना के पॉलिथीन बैग में भर के उसमें एक छोटा सा छेद बना के रूट के किनारे रख देना चाहिए। इससे क्योंकि ये जो इंसेक्टिसाइड है ये रूट के माध्यम से प्लांट से एब्जॉर्ब होगा और इंसेक्ट इस पे अटैक नहीं कर पाएंगे। दिस इज द पिक्चर ऑफ रिमूविंग ग्रस फ्रॉम द इन्फेस्टेड ट्री, ट्रीटिंग ऑफ इन्फेक्टेड ट्री। देख सकते हैं इन्फेक्टेड ट्री को किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंसेक्ट इज एप्पल एंड नट बोरर ऑफ केसियो। ये ऑर्डर लेपिडोप्टेरा फैमिली पायरिडी के मेंबर्स होते हैं। इनके द्वारा फसल में लगभग 10% तक के नुकसान हो सकती है प्रति वर्ष। इनके द्वारा इन्फेक्टेड जो प्लांट होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, वो प्रीमेच्योर स्टेज में ही गिर जाते हैं, क्योंकि ये जो इंसेक्ट होते हैं एप्पल को और नट को बोर करते हैं, छेद करते हैं और उसको अंदर से खा जाते हैं, जिस कारण ये जो इनके द्वारा इन्फेक्टेड जो प्लांट होते हैं, जो फ्रूट होते हैं, बहुत जल्दी गिर जाते हैं, समय से पहले ही गिर जाते हैं। इनके द्वारा इन्फेक्टेड जो नट्स होते हैं अगर नहीं भी गिरते हैं तो डेवलप नहीं हो पाते, क्योंकि इनके काफ़ी जो है खा चुके होते हैं नट्स को, तो वो डेवलप नहीं कर पाते, वो सड़ जाते हैं। द बोरर टनल इन टू द जंक्शन ऑफ एप्पल एंड नट्स एंड द एंट्री होल आर प्लग्ड विथ एक्सक्रीटा। ओनली सिंगल कैटरपिलर इज जनरली सीन आइदर इन द एप्पल नट, बट देयर आर रिपोर्ट ऑफ अप टू 5 लार्वा ओकरिंग इन एप्पल एंड 3 इन नट्स। ये काफ़ी छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि एक जो इंसेक्ट होता है एक एप्पल में एक ही अक्सर होता है, बट लगभग 5 लार्वे तक एक एप्पल के अंदर और नट्स के अंदर लगभग 3 लार्वे तक देखा गया है। गाइस देखो अब हम पता आप नहीं बात करते हैं इस इंसेक्ट के बायोलॉजी और उसके लाइफ साइकिल के बारे में। ये जो इंसेक्ट होते हैं मीडियम साइज मोथ होते हैं, जिनका जो अग्र जोड़ी पंख होता है फोरविंग, ये डार्क ब्राउन कलर का होता है और इनका जो आकार है लगभग 1.5 से 2 सेंटीमीटर तक हो सकता है। इनके लार्वल पीरियड में लगभग 5 इंस्टार होते हैं, देयर आर अबाउट 5 लार्वल इंस्टार लास्टिंग इन 15 to 33 days। 5 लार्वल इंस्टार लगभग 15 से 33 दिन में कंप्लीट करते हैं। फुली ग्रोन लार्वे जो होते हैं वो पौधों से गिर जाते हैं और अर्धन प्यूपा बनाते हैं, अर्धन कोकून बनाकर प्यूपा में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसका प्यूपल पीरियड है लगभग लगभग 8 से 10 दिन। इनका जो पूरी लाइफ साइकिल है वो लगभग 30 से 45 दिन में कंप्लीट हो जाता है। इनके मैनेजमेंट के लिए हमें IPDM टेक्निक्स अपनाने चाहिए,
रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ डेड एंड ड्राइड इन्फ्लोरेंस, क्योंकि उसमें लार्वी हो सकते हैं। कार्बरिल का हम स्प्रे कर सकते हैं जो डेड और ड्राइड इन्फ्लोरेंस होता है उसको रिमूव करके पूरी तरह से जला देना चाहिए, डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। स्प्रेइंग ऑफ डाइक्लोरवास एट द रेट ऑफ 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ऑफ सीजन। गाइस नेक्स्ट इंसेक्ट इज थ्रिप्स। थ्रिप्स जो होते हैं ये माइनर पेस्ट हैं जो कि सकिंग पेस्ट होते हैं। ये इंसेक्ट फ्लावर को और टेंडर पार्ट्स को नुकसान पहुंचाते हैं, टेंडर लिप्स को नुकसान पहुंचाते हैं। ये ऑर्डर थाइसनोप्टेरा फैमिली थ्रिपिडी के मेंबर होते हैं जिनके द्वारा अफेक्ट किए जाने पे, इन्फेस्टेशन होने पे कुछ इस तरह से प्लांट्स दिखाई देने लगते हैं। ये जो इंसेक्ट होते हैं प्लांट के पत्तियों के निचली सतह पे ग्रुप में, झुंड में, बहुत ज़्यादा संख्या में एक साथ उपस्थित होते हैं और पत्तियों के निचली सतह से रस चूसते रहते हैं, जिस कारण जो प्लांट्स की पत्तियां होती हैं वो उनमें सफ़ेद चटके बन जाते हैं। जो थ्रिप्स होते हैं वो सिर्फ पत्तियों से ही नहीं, फ्लावर्स और एप्पल और नट्स से भी रस चूसते हैं। इनके द्वारा इन्फेस्टेड जो एप्पल्स होते हैं कुछ इस तरह से विकृत रूप में दिखाई देते हैं। इनके कंट्रोल के लिए हम किसी भी प्रकार के सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का यूज़ कर सकते हैं। गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।